Hello, hello, hello friends. Welcome back to Learning Code supported by Newton School. इस प्लेलिस्ट पर हम सीख रहे हैं हैशिंग के बारे में कोल्यूशन के बारे में कोल्यूशन को कैसे हैंडल करना है एंड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीडियोस हमने देखा है अलग अलग टेक्निक्स इंक्लूडिंग ओपन हैशिंग क्लोज हैशिंग उनके अंदर क्या क्या आती हैं फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोबिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग सेपरेट चेनिंग एक्सेट्रा एंड अगर आपने अभी तक uh, उन वीडियो को नहीं देखा है सो आई विल एट द लिंक समवेयर हेर और देयर सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारी एल्गोरिथम्स के जो डिसएडवांटेजेस थे उन सबको कवर करके एक ऐसी एल्गोइथम सीखने वाले हैं जिसमें वो सारी डिसएडवांटेजेस चली जाती सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डबल हैशिंग आप हैशिंग के ऊपर दोबारा हैशिंग करते हो टू हैंडल प्रॉब्लम्स लाइक प्राइमरी क्लस्टरिंग सेकेंडरी क्लस्टरिंग कोलिशन एटसेट्रा सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाम से तो ये बहुत कूल cool सा लग रहा है हैशिंग के ऊपर हम एक और हैशिंग करने वाले हैं बट लेट्स सी हाउ वी डू दैट एंड उसका एडवांटेज क्या होता है सो so, हमने क्वाडेटिक प्रोबिंग के अंदर देखा था एंड इवन लीनियर प्रोबिंग के अंदर आपका जो फाइंड और इंसर्ट ऑपरेशन है वो ज्यादा टाइम लेने लग गया था एज यू आर मूविंग मोर एंड मोर इन टू इंसर्शन राइट लाइक इनिशियली आपका कम टाइम लेगा बट जैसे ही आप बहुत सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दोगे अपने हैश मैप के अंदर तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन एंड फाइंड विल इंक्रीज राइट तो so, उसे हैंडल करने के लिए लीनियर प्रोबिंग के अंदर हम प्राइमरी क्लस्टरिंग फेस कर रहे थे जिसे हमने हैंडल करने के लिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इंट्रोड्यूस कराया था बट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के अंदर भी हमें सेकेंडरी क्लस्टरिंग का इश्यू फेस हो रहा था तो so, उसे हैंडल करने के लिए वी हैव अ टेक्निक नोन एज डबल हैशिंग इट वॉज हैश ऑफ एक्स प्लस आई मॉड एस केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग एंड इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हमने यूज किया था आई इंटू आई एज द इंक्रीमेंट विद एवरी इटरेशन फॉर क्वाड्रेटिक सो इन केस ऑफ डबल में मैं काफी प्रोडिक्टिव चल रहा था मैं हर बार एक एक स्टेप ले रहा था कि ठीक है मैंने उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया मैंने क्वाड्रेटिक कर दिया अपने फंक्शन को और मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ वन स्टेप इंक्रीमेंट एट ईच इटरेशन मैं क्वाड्रेटिक स्टेप्स इंक्रीमेंट करूंगा बट ये भी काफी प्रोडिक्टिव था राइट right? नाउ इसे रिजोल्व करने के लिए एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर हमारा जो क्लस्टरिंग था वो इंट्रोड्यूस हो रहा था सो so, इसे अगर मुझे बिल्कुल ही रैंडम करना हो वट आई कैन डू इज आई कैन से आई इन टू हैश टू ऑफ एक्स मॉड एस इन केस ऑफ डबल हैशिंग सो so, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे यहाँ पे जो स्टेप्स थे वो एक बार ले रहा था मैं एक टाइम पे यहाँ पे जो स्टेप्स था वो हर क्वाड्रेटिक इंक्रीमेंट पर ले रहा था यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स मैं एक इटरेशन में लूंगा इट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस सेकेंड हैशिंग फंक्शन नाउ इफ यू सी द वैल्यू ऑफ दिस सेकेंड हैशिंग फंक्शन इज वन अ अंस्टेंट इन केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग इज इक्वल टू आई इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग

नाउ इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इससे हमारी क्लस्टरिंग की इश्यू कैसे सॉल्व हुई सो so, अगर ये आपका एक टेबल है विथ सम इंडेक्स लाइक जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एटसेट्रा सो लीनियर प्रोबिंग में तो काफी सिंपल सा हमारा लॉजिक था हम हर बार ऐसे जा रहे थे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम हर बार पहले फर्स्ट पे गए फिर फर्स्ट से फोर पे गए फिर फोर से नाइन पे गए हर बार ऐसे जाए थे तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारी प्राइमरी क्लस्टरिंग हो रही थी यहाँ पे हमारी सेकेंडरी क्लस्टरिंग हो रही थी बट वट अबाउट द केस अगर मैं बोलूँ की जीरो से वन पे गई यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे कितने थे वन देन वन से थ्री पर गई यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे मेरे टू देन थ्री से फाइव पे गई नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे टू देन फाइव से सीधा एटीन पे गई नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे थर्टीन राइट right? सो so, यहाँ पे अगर आप देखो कोई भी पैटर्न आपको नहीं दिख रहा सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर जो आपके चांसेस हैं कि आपको हर बार सेम टाइप का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा टू है एम टी स्लॉट वो रिड्यूस हो जाता है राइट सो दैट इज वाई जो आपका सेकेंडरी क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर हैश टू फंक्शन अगर आपने लीनियर इम्प्लीमेंट कर दिया जैसे आपने Quadratic के केस में आपने जो आपका था नेचर so इसकी वजह से क्या हो रहा था हमें पता चल रहा था कि यार पहली बार अगर एक स्टेप लिया है, दूसरी बार में आप वन से फोर पर ही जाने वाले हो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ थ्री स्टेप्स देन आप फोर से नाइन पर ही जाने वाले हो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ फाइव स्टेप आप नाइन से सिक्सटीन पर ही जाने वाले हो दे इज ए इंक्रीमेंट ऑफ सेवन स्टेप बहुत प्रिडिक्टिव था राइट बट इन केस ऑफ हैश टू अगर आपने ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया लेट uh, right? से आई स्क्वायर प्लस आई स्कस वन होगा क्लस्टरिंग का सेकेंडरी क्लस्टरिंग का जो चांसेस है वो और लेस लेसिवियर हो जाएगा तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक क्या आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा आपको उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर सो दैट इज अबाउट डबल हैशिंग ऑल ऑल्सो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज ऑफकोर्स इट इज हेवी इन कॉम्पिटेशन आपको दो बार हैशिंग ऐड करनी पड़ रही है आपको दो बार हैश फंक्शन कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं फॉर एवरी फाइंड एंड इंसर्ट ऑपरेशन बट द मेजर एडवांटेज हेयर इज आपको क्लस्टरिंग का इशू नहीं होगा वाइल सॉल्विंग ऑफ कोलिजन सो विद ऑफ डबल हैशिंग हमने सारे कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स को देख लिया है हमने सबके एडवांटेजेस लिए हैं अब आपको चेक करना है कि आपको किस टाइम पर कौन सी कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक अप्लाई करनी है सो आई होप ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा आपको पता चला होगा क्या क्या प्रॉब्लम होती हैशिंग के अंदर एंड उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लगाओ So don't forget to subscribe to our channel and share it with your friends as well. Jitna zyada reach hota hai videos ka, zyada motivation milta hai next video, next or video banane ke lihe. So please keep supporting us and showing us love. And also I have added a link in the description box for the full stack web development course provided by Newton School. That is a very good course jo so aapko front end, back end, database, everything, everything about web development sab kuch cover karega, including your interview preparation. And they will also help you to get placed in good. Company. ज और आपको कोई अपफ्रंट फीस देने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक एनरोल इन द कोर्स एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग डेवलपमेंट सो सी द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर